लोगों के लिए खुशखबरी है। जींद में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करते हुए विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा की मांग पर पैरा मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिल गई है। यह विधायक का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। जैसे ही पैरा मेडिकल कॉलेज की जमीन की स्वीकृति मिली तो विधायक ने शून्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। इस प्रोजेक्ट को लेकर HSVP द्वारा पैरा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जींद के सेक्टर 9 में 7.42 एकड़ भूमि में यह पैरा मेडिकल कॉलेज बनना प्रस्तावित है। इस पैरा मेडिकल कॉलेज के बनने से जींद व आसपास के क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2022 को सफीदों रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि सफीदों में पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन नियमानुसार यहां पैरा मेडिकल कॉलेज को लेकर शर्त पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोला जा सकता है। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां नर्सिंग या पैर मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और जींद जिला की स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को लेकर पक्ष रखते हुए पैरा मेडिकल कॉलेज को जींद में खोले जाने की बात कही थी, क्योंकि पैरा मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार के जो नियम है वो सभी जींद में पूरे हो रहे थे। जींद विधायक डॉ कृष्ण मिड्ढा की मांग पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई और जींद के सेक्टर 9 में 7.42 एकड़ भूमि में यह पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इस पैरा मेडिकल कॉलेज के बनने से जींद व आसपास के क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। जींद के भाजपा विधायक डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि पैरा मेडिकल कॉलेज बनने से नर्सिंग कोर्स ANM, GNM, MPHW, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन आदि के कोर्स यहां हो सकेंगे। ऐसे में युवाओं को करियर बनाने में सुविधा मिलेगी और मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों आदि में रोजगार मिल सकेगा। खासकर जींद के युवक युवतियां ऐसे कोर्स कर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भविष्य बना सकेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरी मांग पर 3 जून 2022 को सफीदों रैली के अंदर पैरा मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसकी आज जमीन दे दी गई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और जींद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो जमीन HSVP की लगभग 7.5 किले जमीन दी गई है, इसके लिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिनसे रोहताश भोला की रिपोर्ट।